हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में 7 अक्टूबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है और वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपनी आधुनिक 6G प्रयोगशाला का शाला की स्थापना की है? तो 6G प्रयोगशाला की स्थापना कर्नाटक के बेंगलुर में स्थापित की गई है। 6G प्रयोगशाला का निर्माण फिनलैंड की कंपनी फिनलैंड की कंपनी है नोकिया द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है जॉन फ्रांस। जॉन फ्रांस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह एक नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं। उनके अभिनय नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जी आई सी रे का अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं, GEI का फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक रामास्वामी एन है। और ये किसके स्थान पर आए हैं? ये पूर्वभूत देवेश श्रीवास्तव के स्थान पर आए हैं। क्या नाम है? देवेश श्रीवास्तव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस समय ये 63 वर्ष के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और कब तक बढ़ा दिया गया है? 2024 तक, अगस्त 2024 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के याक चूरपी को GI टैग मिला है? चूरपी एक तरह की खाद्य दूध डेयरी वाली मिठाई होती है। और एक याक एक जानवर है जो गाय की प्रजाति का होता है याक, और इसी ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है याक, और इसी के दूध से बनी हुई मिठाई ये जो चर्पी है चूरपी, इसी को GI टैग मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार? स्पिनोजा पुरस्कार। तो यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रोफेसर ज्योता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। इसे डच पुरस्कार भी कहते हैं, डच प्राइज, डच नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ज्योता गुप्ता। और ये क्या कहते हैं इसको, डच नोबेल भी कहते हैं, नोबेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में
नौवा G20 सदस्यीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसे यह परमाणु पुरस्कार रूसी यूरेनियम दिया जाएगा, मिला है, प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाय लैंड सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? यह 95% पूरी हो गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यह 12 किलोमीटर लंबी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत को यह AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। AIBD का फुल फॉर्म होता है एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट और यह प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। क्या नाम है? गौरव द्विवेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जियोमार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी जी, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। रूस की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, बहुत पुतिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोगमेथेयम को उनकी पुस्तक इबेमा अमासुंग नबोमा, जो एक कहानी संग्रह है, उसी के लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिलीप नोगमेथेयम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे? ग्वालियर में, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है और इसका पूरा नाम रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसमें अगर जन्म लेते बच्चे के सिर में चोट लग जाती है तो वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, उसी के लिए हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक उत्सव है जिसकी 2023 की थीम है टुगेदर स्ट्रोंगर है, इसकी थीम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एक चैलेंज आपके लिए है, रूबल मुद्रा कहाँ की है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।